का आंदोलनरत है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी मांग ये नहीं है कि आज वेतन दिया जाए या कल आप वेतन दे दें। हम कहना चाहते हैं जो परिस्थितियां बनती है इसके पीछे क्या कारण है, ताकि आइंदा के लिए इस तरह की परिस्थिति द्वारा पैदा न हो। आज आपने देखा होगा बिजली बोर्ड, इतना बड़ा महकमा, लगभग 26 लाख कंज्यूमर प्रदेश के जिनको बिजली बोर्ड कैटर करता है और 24 घंटे बिजली मुहैया कराता है बिना इंटरप्शन के, बिना पावर कट के, बाकी स्टेट से हट करके 24 घंटे बिजली मुहैया कराता है। और लगभग 50,000 परिवार इससे जुड़ा हुआ है। हमारे बीच में पेंशनर बीडी शर्मा जी है, काफी पुराने साथी, रिटायरी है, और कर्मचारी लगभग 50,000 पेंशनर कर्मचारी से जुड़े हुए हैं। और आज प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरह से डॉग सीजन पे बिजली बोर्ड को चलाया जा रहा है, और एक ऐसे अधिकारी को, और जिस अधिकारी के बारे में मीडिया या सभी साथियों को पता है अधिकारी का क्रेडेंशियल क्या है, उस अधिकारी को बिजली बोर्ड को सौंपा गया है। और एक महीना दो महीना माना कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन 9 महीने से सौंपा है, एक दुख की बात है। क्या अगर ये संस्था बचेगी प्रदेश के कंज्यूमर्स, उनको जो आज विद्युत पूर्ति दी जा रही है इस सुचारू रूप से रहेगी और गुणवत्ता के साथ रहेगी, और जो 50,000 परिवार हैं, पेंशनर्स है, कर्मचारी है, उनके घर में चूल्हा जलेगा। अगर इंडस्ट्री ढह गई, इसका सीधा प्रभाव जो से जुड़े कर्मचारी, पेंशनर और प्रदेश के कंज्यूमर्स है, उन पर पड़ेगा। आज ये लड़ाई कर्मचारियों की, पेंशनर्स की नहीं है, जो स्थिति आज बिजली बोर्ड की पैदा हुई है। आज ये लड़ाई प्रदेश की जनता की, बिजली उपभोक्ताओं की भी लड़ाई है। आप देखेंगे दूसरे राज्य का, आप देखेंगे जहां प्राइवेटाइजेशन हुआ है वहां किस तरह से विद्युत पूर्ति कंज्यूमर को दी जाती है, किस तरह से बिलिंग की जाती है। दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है। तो आज मैं कहना चाहूंगा, इस मंच से कहना चाहूंगा, जो पूरे प्रदेश में आज बिजली कर्मचारी पेंशनर सड़कों में, जिसको मजबूर किया गया वर्तमान मैनेजमेंट द्वारा, आज उसका खामियाजा प्रदेश के कंज्यूमर्स है और प्रदेश की आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज जितने कर भी पब्लिक सेक्टर स्टेट के यूटिलिटीज हैं, कोई भी सरकार आती है अपीजमेंट के लिए, वोट बैंक के लिए, एक इसका सीढ़ी बना के रखा है कि हम सत्ता में आएंगे, बिजली बोर्ड में बत्ती दफ्तर खोल लो, हम सत्ता में आएंगे, और बिजली बोर्ड में फ्री बिजली दे दो, 125 यूनिट हम सत्ता में आएंगे। और दूसरे आते हैं, पिछले दफ्तर बंद कर लेते हैं, अपने नए दफ्तर खोल लेते हैं, और पिछला 125 यूनिट बोलता है, अगले 300 यूनिट बोलते हैं। बड़े दुख की बात। और जब सरकार को अपने फैसले, अपने लाभ लेने हो, और तब बोलती है कि पब्लिक सेक्टर हम कर सकते हैं, ये हमारा महकमा है, लेकिन जब हमारी बारी आती है, ओपीएस की, आप बच्चे यहां सामने हैं, तब बोलते हैं नहीं, ये तो कंपनी है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है सरकार का, और उस डबल स्टैंडर्ड में बिजली बोर्ड के कर्मचारी पेंशनर पीस रहे हैं। और आज 125 यूनिट का खामियाजा आपके सामने है। हम क्या कहते हैं, पहले भी पिछली सरकार में हमने यहां विरोध प्रदर्शन किया था कि 125 यूनिट का खामियाजा एक दिन में भुगतना पड़ेगा, हमारी सैलरी पेंशन पे टाका डलेगा, और आज वो दिन आपके सामने आ गया। हमने कहा था कि राज्य सरकार बोलती है कि हम इस पर रोल बैक करेंगे, हमें पता है राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति क्या है उस टाइम भी, और आज ठीक है, आज आपका पैसा आ जाएगा, कल आपको पेंशन सैलरी मिल जाएगी, लेकिन क्या आने वाले दिनों में राज्य सरकार जो सब्सिडी हमारी बनती है उसको रोल बैक कर पाएगी? पब्लिक अपीजमेंट आप करे, वोट बैंक आप ले, सत्ता की सीढ़ी का निर्माण आप करे, और उसमें पीसा जा रहा है बिजली बोर्ड का कर्मचारी, बिजली बोर्ड का पेंशनर, और वो पेंशनर जिन्होंने पूरी जिंदगी बिजली बोर्ड पर गुजारी। और आज आप देखेंगे, अभी मैं आंकड़ा ले रहा था, 17 से लेकर के अब तक 6 सालों में हमारे 122 बच्चों ने शहादतें दी है, साथियों ने शहादतें दी है, शर्म की बात है। और आज
उनके परिवार पेंशन से वंचित है। हम प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे, आप चिंतन कीजिए, आगे बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर जो बिजली बोर्ड स्टेट में है, वो सारा पब्लिक सेक्टर का ढांचे की सर्वाइवेबिलिटी पे बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर परिस्थितियों पे कोई गंभीरता से इंट्रोस्पेक्शन एनालिसिस नहीं होगा तो आने वाले दिनों में हम भी एचआरटीसी की लाइन में लग जाएंगे कि फरवरी इस महीने 4 तारीख को, अगले महीने 10 तारीख को, उस लगे महीने अगले महीने को जाएगी। और आज एचआरटीसी हमारे से बेहतर है। और मैं कुछ साथी कह रहे थे, और मैं तो ये कहना चाहूंगा, लेकिन कुछ साथी कह रहे थे इस तरह के चर्चा, इस तरह के प्रश्न आते हैं, बोले जी एचआरटीसी में मंत्री अग्निहोत्री जी है, बोले जी वहां पहली को तनख्वाह मिल रही है और ओपीएस भी होगी, और हमें गर्व है कि हमारे मंत्री मुख्यमंत्री है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय, लोगों को चर्चा करने से हम नहीं रोक सकते। आपको देखना होगा, आपको फैसला लेना होगा कि एक पब्लिक सेक्टर जो एचआरटीसी है, वहां सारी चीजें मुहैया हो रही है, और बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, छाते दे रहे हैं, वहां दोनों चीजों से वंचित है। ना तो पहली को पेंशन मिल रही है, ना तो पहली को सैलरी मिल रही है, और ना ही बिजली कर्मचारियों को ओपीएस है। हम कहना चाहेंगे, आज जो वर्तमान सरकार है, ये सारे तमाम कर्मचारी है जिन्होंने ओपीएस के नाम से वर्तमान सरकार को लाया, और आज आप ओपीएस के लिए बोलते हैं एक साल का इंतजार करो। हम इस मंच से कहना चाहते हैं, आज हमारे पास, हमने पिछले कल भी कहा, हमारे पास न्याय नहीं है ओपीएस के लिए, हमारे पास न्याय नहीं है। आपके पास न्याय होगा, लेकिन हमारे पास न्याय नहीं है। आप देखेंगे पिछले 9 महीने से आपका एम्प्लॉई शेयर होल्ड पे है, एनएसएलडीएल में नहीं गया, और आज जो कर्मचारी जिनका शेयर एनएसएलडीएल में नहीं गया, वो टैक्स में उसमें एग्जम्पशन ले रहे हैं, और शेयर तो वहां जमा नहीं हुआ, ना हो बिजली बोर्ड के पास, ना हो एनपीएस है, ना ओपीएस है। हम कहना चाहेंगे उसमें टेक्निकली बहुत सारी दिक्कत है, उसमें जीपीएम में पैसा कैसे डालेंगे, उसका इंटरेस्ट कैसे वर्कआउट करेंगे, आपने टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, तमाम बड़े मुद्दे, तमाम बड़े इशू खड़े हो जाएंगे। तुम्हारा ज्वाइंट फंड ने जो फैसला लिया है, और उसमें साफ कहा है कि ओपीएस को लेकर के लड़ाई को पूरे प्रदेश में लड़ा जाएगा और संजीदगी से लड़ा जाएगा। आज हमारा लान है, जब तक हमारी पेंशन सैलरी नहीं आती, पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन गेट मीडियम के माध्यम से जो वर्तमान स्थिति बिजली बोर्ड में पनपी है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सैलरी पेंशन आ भी जाती है, उसके बाद हम ओपीएस को लेकर के पूरे स्टेट में आंदोलन करेंगे। मैं कहना चाहूंगा, आज जो बिजली बोर्ड के एमडी है, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री महोदय को क्या सजग बात खाए होंगे, मेरे कुछ पावर कॉर्पोरेशन के साथी बता रहे थे, बोले जी हमने 200 मेगावाट का सोलर तैयार कर लेना है, तेज में तेज तो गया, मेगावाट एक नहीं आया, और ऊपर से क्या बोलते, हमने वाटर सेस से सरकार को बड़े बड़े रेवेन्यू इकट्ठा कराना है। तो आज वो वाटर सेस भी गया, बिजली बोर्ड का पैसा गया, उसके अलावा किसने लिया कोर्ट केस है, ना होगा, और उसके अलावा ईडी महंगी इंडस्ट्री से रेवेन्यू आएगा, रातों रात ईडी डबल कर दी, जो इंडस्ट्री के साथ पैकेज साइन हुआ था, जो पॉलिसीज इंडस्ट्री को ध्यान में रखी, आपको रिवर्स करना पड़ा, लिटिगेशन में मामला है, और एक सिंगल डेस्क है, सिंगल डेस्क यहां जो अभी आप बोल रहे हैं एसएलडीसी में एक सिंगल डेस्क, एक सिंगल विंडो बनाई जा रही है कि जी नहीं, बिजली बोर्ड का जो ट्रेड होगा उस डेस्क में वो होगा, पूरे हिंदुस्तान में सिंगल विंडो वहां है
जहां मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, और आज हिमाचल प्रदेश में जहां एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वहां सिंगल विंडो की क्या जरूरत है। लेकिन उसके पीछे मंशा है। मंशा क्या है? जो आपको रॉयल्टी का पैसा, जो रॉयल्टी आपको, आपका जो टीपीए हुए हैं, जो रॉयल्टी मिल रही है, मतलब जो आपको रॉयल्टी के अगेंस्ट जो बिजली मिल रही है, वो सारा बिजली आप मार्केट रेट पे ट्रेडिंग होगा। तो सरकार कहती है हम बिजली कंज्यूमर डाउन के हिताची है, उनके लिए फ्री बिजली लेना चाहेंगे, लेकिन यहां बैकडोर से बिजली डबल की जा रही है। वाटर सस्ता पैसा किसको जाएगा? कंज्यूमर को जाएगा। सिंगल विंडो में अगर आपके पीपीए भी आपके 2, 35, 3, 4, 95 जो भी पीपीए आपके साइन हुए हैं, अगर वो मार्केट रेट पे आपको खरीदने पड़ेंगे 7 रुपए 8 रुपए, किसको जाएगा? कंज्यूमर को जाएगा। और बाकी जो तमाम चीजें जो आप कर रहे हैं कि जो आपके रॉयल्टी का है उसको भी आप मार्केट में भेजेंगे, तो उसका पैसा भी वो कहां पास ऑन होगा? कंज्यूमर को होगा। यही नहीं, जितने कर भी आपके ट्रांसमिशन जनरेशन जो आपके भेजे जा रहे हैं पावर कॉर्पोरेशन के लिए, ट्रांसमिशन एचपीडीसीएल के लिए, आज हम जो हमारे जनरेशन पावर हाउस है उसमें 1 रुपए से 2 रुपए 7 पैसे 50 पैसे के हिसाब से लोडिंग हो रही है टिकट की। एक यूनिट हम कंज्यूमर्स को 1 रुपए से नीचे या 1 रुपए की रेट दे रहे हैं। लेकिन अगर वो एचपीडीसीएल पर जाएगा, एचपीडीसीएल बिजली बोर्ड के हिसाब से खरीदेगा 5 रुपए के हिसाब से, तो कंज्यूमर के जो टैरिफ है सीधा 5 गुना होगा। उसी तरह से आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, बिलिंग चार्जेस आज कोई बिजली बोर्ड बिलिंग चार्जेस नहीं ले रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ट्रांसमिशन को गया बिलिंग चार्जेस होगा। हम कहना चाहेंगे जो आपने कमेटी बनाई है कि जी ईएचवी सिस्टम बिजली बोर्ड का एचपीडीसीएल को दिया जाए। मुख्यमंत्री महोदय, इन बेलगाम घोड़ों को लगाम लगाओ। ये जो आपकी नीति है कि प्रदेश की कंज्यूमर को सस्ती बिजली देनी है, तमाम जितने कार्य एमडी साहब कर रहे हैं वो तमाम सीधा सीधा जो प्रदेश के बिजली कंज्यूमर है उनके साथ धोखा है, और इससे जो आज का टैरिफ है आपका डबल हो जाएगा। आज आप देखेंगे एक नया बिजली बोर्ड को एक प्रयोगशाला के रूप में बनाया है, नए नए प्रैक्टिकल करते हैं। पहले बोलते हैं, बोले नहीं जी अब तो सेंट्रलाइज करेंगे, सर्कल लेवल पे करेंगे। अब एक नया प्रैक्टिकल आजकल किया हुआ, ये जो आप सोलर पॉलिसी अभी 2 दिन पहले देखी है, मीना जी का नया प्रैक्टिकल है। क्या है? आप सोलर प्लांट लगाओ और सोलर प्लांट में आपको 20,000 40,000 जो भी मिलेगा उसका पैसा कौन देगा? बिजली बोर्ड देगा, और फिर सरकार से लेंगे, जैसे अभी ले लें 6 महीने बाद 7 महीने बाद। आज मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, जो मीना जी ने बिजली बोर्ड को पैस का आश्रम दिया है, हर कश्मीरा गो बैक गो बैक गो बैक, हर कश्मीरा गो बैक गो बैक गो बैक, हर कश्मीरा गो बैक गो बैक गो बैक, अचल परवा आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ है। हमने पिछले कल कहा था, माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले कल मैनेजमेंट को समन किया। हम माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने ज्वाइंट फ्रंट के जो कॉल है उसको इंडोर्स किया और उसको रिकॉग्नाइज किया, और पूरे आपके रेगुलेटर को भी, शायद जो हमारी जानकारी है रेगुलेटर को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था कि आज जो बिजली बोर्ड की स्थिति क्यों बनती है। लेकिन हमने कहा था कि ये मीना हमें बिजली बोर्ड में नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आज आप पीसीएल में है, बोलते जी पावर कॉर्पोरेशन के जितने का प्रोजेक्ट पावर कॉर्पोरेशन बिजली बोर्ड के प्रोजेक्ट पावर कॉर्पोरेशन को दे दो, और आपके जो दूसरे काम आते हैं जैसे अभी आपका इलेक्ट्रिक चार्जर के गाड़ियों के है, बोले जी पावर कॉर्पोरेशन करेगा। आज हम कह सकते हैं किसने जो 3 यूटिलिटी का इनके पास एमडी डायरेक्टर का चार्ज है उसमें इन्होंने बिजली बोर्ड के ट्रस्ट को नजरअंदाज किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, आपका दादा ही अगर इनसे कोई उम्मीदें हैं तो एक्सक्लूसिव वाली बिजली बोर्ड का ही दे दो, तो देख लेते हम ठीक चलाए बिजली बोर्ड को, लेकिन चलेगा एक महकमा। आप बोलेंगे पावर कॉर्पोरेशन के साथ चलेगा, बिजली बोर्ड नहीं चलेगा। हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि बिजली बोर्ड में एक स्थायी एमडी लगाया जाए, तो जो आज बिजली बोर्ड में स्थिति खड़ी हुई है
ताकि इसका अवलोकन किया जा सके और इस पर सुधार किया जा सके और आने वाली कुछ ऐसी जो नीतियां जहां आपके लूपहोल है उनको सुधारा जा सके, ताकि जो आज जो पेंशन से मेरी पहली को बंद हुई है अगले महीने या उससे अगले महीने ऐसी लोग उतना है। इसके साथ हम मांग करना चाहेंगे कि जो आपका ओपीएस है बिजली बोर्ड में फरवरी से पहले बिजली बोर्ड के कर्मचारी को पुरानी पेंशन बहाल की जाए, अगर उससे देरी इसके बाद होती है तो उसमें टेक्निकल बहुत सारी प्रॉब्लम रहेंगी, ये ज्वाइंट फ्रंट का फैसला है। साथियों, हमने आज पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी आंदोलनरत है, धरना प्रदर्शन कर रहा है और हो सकता है कल आपकी पेंशन सैलरी आए, अगर नहीं आएगी तो फिर से हम लोग इसी पंडाल पे मिलेंगे। लेकिन जो बिजली बोर्ड के सर्वाइवल की लड़ाई है, ओपीएस की लड़ाई है और जो गलत नीतियां जिसके कारण आज बिजली बोर्ड का हाल हुआ है उसके खिलाफ लड़ाई पूरे प्रदेश में जारी रहेगी, जिसका आगाज 6 जनवरी को ऊना से होगा। अगर प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट नए रहते स्थिति को नहीं सुधारेंगे तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी और बिजली पेंशनर आपके नाम बंद होंगे, उसके साथ प्रदेश के जो बिजली भोक्ता है उनको भी जोड़ा जाएगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा, उम्मीद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि जो हमारे सेंटीमेंट है बिजली कर्मचारी और तुरंत बिजली बोर्ड में स्थायी एमडी देंगे और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद वर्मा जी। जैसे वर्मा जी ने आपको काफी चीजों से अवगत करवाया, साथियों एक बात तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि जो हिंदुस्तान के अंदर 1992 के बाद जिन आर्थिक नीतियों को सरकारों ने अपनाना शुरू किया, जिसको एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आज जो बिजली बोर्ड के अंदर ये परिस्थिति पैदा हुई है ये सारे उसी के साइड इफेक्ट्स हैं। हमने 1998 के अंदर जब एससीआरसी यहां पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया गया तो हमने इसी पंडाल में खड़े होकर के उस दिन भी इस बात का विरोध किया था कि आज तक जो टैरिफ को डिसाइड करने की जो पावर्स हमारे चीफ इंजीनियर कमर्शियल के पास थी वो पावर स्नैच होकर के अब वहां चली गई और रेगुलेटर ए लगे, बी लगे, सी लगे, वो हमेशा बिजली बोर्ड के ऊपर कट ही लगाता रहेगा और आपके एक्सपेंसेस कभी एडजस्ट नहीं होंगे। तो ये लगातार हम देख रहे हैं, आज भी जो चीजें हम फेस कर रहे हैं ये तमाम वो चीजें हैं जो हमारी ऑटोनॉमी को खत्म करके और तो और पे स्केलों का इश्यू खड़ा हो गया। जो 1978 से लेकर हम अपने कर्मचारियों को यहां बिजली बोर्ड के अंदर पे स्केल्स दे रहे थे और जब से हम कंपनी बने 2010 के बाद तो हमारे ऊपर में एक और बड़ा बड़े सिर का एक बीओडी बैठा दिया। अब उस बीओडी में क्या होता है, सरकार के अधिकारी रहते हैं, फाइनेंस के लोग रहते हैं, पर्सनल के लोग रहते हैं, उनको तकलीफ यह है उनकी ग्रेड पे कम और बिजली बोर्ड के प्राइवेट सेक्रेटरी की ग्रेड पे ज्यादा। ये यहां भी आते हैं तो यहां यार कहते मेरे पीएस की तो ग्रेड पे मेरे से ज्यादा है। भाई जब बिजली बोर्ड का गठन हुआ 1971 को हमारे लोगों ने हिमाचल प्रदेश के अंदर पंजाब के वेतनमान एक लंबे संघर्ष के बाद लिए, एचपीएससी भी इंप्लॉयज यूनियन ने संघर्ष लड़ा तब जाकर के पीएससीबी पैटर्न को यहां पे लागू किया गया। तो जो वर्मा जी कह रहे थे कि एमडी को यहां हो सकता है, सरकारें पॉलिटिशियन कई बार चलाक भी होता है क्योंकि तो पॉलिटिशियन को समझना इतना आसान नहीं होता है। अगर मुख्यमंत्री को लग रहा होगा कि इस बदमाश को सेट करना है तो उनको यह भी पता है कि बाकी कहीं सेट नहीं होना, मुंडी चुथने वाले तो बिजली बोर्ड के अंदर ही है, तो हो सकता है समझ के साथ यहां भेजा हो। और हमने तो बड़े बड़े कुत्तों की भी दुम सीधी की है, लोग एक कहावत है कि भाई कुत्ते की गते कभी दुम सीधी नहीं होती, तो किसी सियाने आदमी ने डी डी शर्मा जी जैसे किसी
सियाने आदमी ने तो आया कहते बिल्कुल सीधी होती है। बोले जी कैसे? बोलो लगातार उसको कूटते रहो आप ऊपर से, वो तुम खुद पीछे को सीधी करके दौड़ जाएगा। तो इसलिए साथियों इनका इलाज तो हम करके जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी जो ये HPTCL है HPPCL है ये बोर्ड का तो क्या करेंगे, लेकिन इस मंच से हम इसको अवश्य मांग उठाएंगे कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बिजली बोर्ड के इलेजिटिमेट चाइल्ड है, इन्हें हमें वापस दे दो, हम इनका पालन पोषण खुद कर लेंगे और बोर्ड का तो हम एक इंच तक यहां से हिलने नहीं देंगे, इस बात को हम इस मंच से कहना चाहेंगे। साथियों अंत में मैं अब मंच पे आमंत्रित करूंगा जो ज्वाइंट फ्रंट के हमारे कन्वीनर हैं इंजीनियर लोकेश ठाकुर जी। लोकेश ठाकुर जी मंच पे आए और आप लोगों को संबोधित करें। इंजीनियर लोकेश ठाकुर जी नमस्कार। अब आपने इतनी सारी बातें सुन ली है तो ज्यादा बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ रहा नहीं है ना मैं बोलना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि शायद सैलरी पेंशन तो आपको हमको सबको एक दिन दो दिन या तीन दिन में मिल जाएगी, लेकिन सैलरी पेंशन जैसे कहते हैं कि ये एक सिम्टम है बीमारी नहीं है, तो सिम्टम के इलाज होने पर हमने शांत नहीं बैठना है। जब तक हमारी बीमारी का इलाज नहीं हो जाता है, और हमारी बीमारी का इलाज है हमारी मैनेजमेंट के द्वारा जो लचर व्यवस्था चल रही है वही हमारी बीमारी है, और इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। जो ये तो शायद ये भी मैं कहूंगा ये इनकी ही एक गलती है कि इन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है साथ होने की, इकट्ठा होने की, और चाह तो हम सब बहुत समय से रहे थे लेकिन नहीं कर रहे थे क्योंकि हम सोच रहे थे कि चलो मौका दिया जाना चाहिए। पर अब जो इन्होंने इम्तिहान की हदपार करी है तो इसके बाद अब हमें मतलब सैलरी मिलने पे और पेंशन मिलने पे शांत नहीं होना है, शायद हम सब इस बात पे एग्री करते हैं। जब तक कि सरकार द्वारा बोर्ड में एक स्थायी MD नहीं लगाया जाता, और मैं तो ये भी कहूंगा कि कोई सीनियर होना चाहिए, शुरू से मतलब आज तक सीनियर रहे हैं और आगे भी सीनियर ही हुए जो प्रॉब्लम को समझे और सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसा हीरालाल जी ने भी बोला कितनी बड़े लोग गैदर होने के बावजूद स्टेट वाइड एजुकेशन होने के बावजूद मैनेजमेंट ने शायद किसी से बात करने की कोशिश नहीं करी। आप लोगों से एक ऑर्डर या रिक्वेस्ट जो भी निकाल देते कि ये समस्या है इस वजह से नहीं, ना उन्होंने ठीक समझा कि हमें उस समस्या के बारे में बताया जाए कि समस्या है क्या। वो तो ये समझ रहे हैं कि जैसे जो भी करेंगे हमें एक्सेप्ट करना है, तो शायद अब हमें एक्सेप्ट नहीं करना है जब तक कि हम इस समस्या को रिजॉल्व नहीं करते। और दूसरा OPS है वो भी जब हमें चाहिए तो चाहिए, तो जब तक ये दोनों हो नहीं जाते तब तक हमें यूनिफाइड रहना है। सैलरी और पेंशन तो सिर्फ एक बहाना था जिससे हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा इस सब इंडिविजुअल से, सारे इंडिविजुअल से करना चाहता हूं मैं, कि कुछ दिनों के लिए हम सब ये भूल जाएं कि हम किसी एसोसिएशन का हिस्सा है। बहुत सारी एसोसिएशन है हमारे बिजली बोर्ड में, बहुत सारी समस्याएं किसी भी परिवार में होती हैं, तो आपस में हो सकता है हमारी एक दूसरे से किसी बात में कभी कोई कंफ्लिक्ट हो सकता है, बहुत लोगों का होगा, हमारा भी होता है कभी, इंजीनियर एसोसिएशन AMI ये वो सब बहुत सारी चीजें हैं। तो ये समस्याएं तभी हैं जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगी तो समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो कुछ दिनों के लिए जब तक ये हमारा एजुकेशन चल रहा है मेरी सबसे जो हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि सारे भूल जाएं कि वो अलग अलग एसोसिएशन के हैं और एक एसोसिएशन है हमारी आज बिजली बोर्ड की ज्वाइंट फ्रंट, और हम जिस लड़ाई को लड़ने की शुरुआत की है जब तक इसे एंड तक नहीं ले जाएंगे हमें पीछे नहीं हटना है चाहे जो हो। धन्यवाद। धन्यवाद इंजीनियर लोकेश ठाकुर जी। साथियों इससे पहले कि मैं इस सभा का यहाँ पे पटाक्षेप करूं, कल के लिए उन्हें आपसे मैं इसी मंच से आज निवेदन करता हूं कि अगर कल भी परिस्थितियां यही रही जो लगभग संभावित है तो कल आप कृपया जैसे ही यहां माइक पे हम शुरू हो तो आप बिना बुलाए आ जाएं। नंबर एक। नंबर दो, वैसे तो सारे अधिकारी और कर्मचारी हमारे बीच में हैं, लेकिन हमारे को कुछ सूचना मिली कि किसी कार्यालय में किसी ने लोगों को धरना प्रदर्शन में आने के लिए मनाई की है, तो अगर
कोई ऐसा आपके नोटिस में भी हो, आप बेझिझक हमें टेलीफोन पर